Hello students, welcome to CER International School online classes. How are you, Beta? I hope everyone is fine and safe at home. Good. Today we will discuss about new chapter. Chapter decimal. अरे कौन सा chapter है बेटा हमारा? 10th chapter. कौन सा chapter है? Chapter 10. Okay. Chapter का name क्या है? Decimal. What is decimal? Decimal क्या होता है? हमने fraction की थी ना, हमारा जो लास्ट चैप्टर था वो फ्रैक्शन का था, ठीक है. और आज हमारा डेसिमल है, तो डेसिमल किस पे डिपेंड है बेटा? फ्रैक्शन पे ही डिपेंड है. द फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर्स आर 10, 100, 1000 एक्सेट्रा आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन. मीन्स बेटा जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 etc. आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन. ओके बेटा, जिसका भी डिनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 मतलब 10 की पावर हो, मतलब 1 के साथ 0, 0 हो, तो वो क्या कहलाती है? हमारी डेसिमल फ्रैक्शन. वो हमारी डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है. एग्जाम्पल हमने दिया 3/10, 4/100, 5/1000. और ये मैंने आपको फ्रैक्शन बता भी रखी है बेटा कि 3/10. हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं. मान लो मैंने ये फिगर ड्रॉ करी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 है टोटल जो पार्ट होता है डिनोमिनेटर, कितने पार्ट की है? 10. टोटल पार्ट 10 है ना, तो हमने 10 में डिवाइड कर दिया इसे, एक होल फिगर को. और उसमें 3 पार्ट शेडेड. 3 पार्ट क्या हो गए? शेडेड. 1, 2, 3 3 पार्ट शेड हो गए. तो ये क्या क्या फिगर बनी? इसकी फ्रैक्शन क्या बनी? 3/10. 3/10 फ्रैक्शन बन गई, 3/10. तो बेटा शेडेड पार्ट, तो हम इसे क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंट. अब ये डेसिमल में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसे करते हैं बेटा 3/10. क्या करते हैं हम? 3/10. 3/10 हम इसे रीड क्या करते हैं? 3/10, यानी 10 में से 3 पार्ट हमने शेड किया है. ओके कहने का मींस बेटा ये क्या है कि द शेडेड पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/3. ओके 3/10 होल फिगर, पूरी होल फिगर को 3/10 पार्ट में डिवाइड किया है. इसका मींस ये है कि हमने एक होल फिगर को 10 पार्ट में डिवाइड किया, फिर उसमें 3 पार्ट को शेड किया. तो ये हमारी फ्रैक्शन बन गई 3/10. अनदर नेम, इसका हम जो दूसरा नेम लेते हैं वो क्या है? ये डेसिमल फ्रैक्शन. क्या है इसका दूसरा नाम? वैसे तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ही हुई ना हमारी, ये तो हमारी फ्रैक्शन हुई, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट चैप्टर में बताया था. बट इसका अनदर नेम, दूसरा नेम क्या कहलाता है बेटा? डेसिमल फ्रैक्शन. ओके अब हम इसे रीड कैसे करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में? देखो बेटा, मान लो मैंने आपको दिया 1/10, 1/100, 1/1000. ओके हम इसे रीड कैसे करेंगे? 1/10, 10 को अब 1 है ना, 10th, क्या बोलेंगे? TEN, 10 तो होता ही है, इसमें TH लग जाता है, TENTH, 10th. ओके अब ये 1/100, 100 है ना, HUNDREDTH, 1/100th. ओके 100th. और ये क्या है बेटा फिर? 1000, TOUSANDTH, 1000th. TH मैंने आपको बताया था ना, तो इस क्या बोलेंगे? 1/10th, 100th, 1000th. मीनिंग ये हुआ कि क्या है ये? एक हॉल फिगर है पूरी, ठीक है, उसको 100 पार्ट में डिवाइड किया और उसका 1 पार्ट शेड किया, तो पूरी हॉल फिगर की क्या फ्रैक्शन बनेगी? 1/10. लेकिन हम इसे रीड कैसे करेंगे? 1/10th. फिर इसे रीड कैसे करेंगे? 100th, 1000th. ओके रीड करना समझ में आया? फिर इसी में ही हमारा रीड करने के बाद देखो बेटा फिर क्या आएगा. जैसे मैं आपको बता देती हूं, 2.7,
ओके 2.7 लिखा, ये जो बीच में पॉइंट का मार्क है इसे बोलते हैं हम डेसिमल, हम इसे पॉइंट भी रीड करते हैं और डेसिमल भी रीड करते हैं। और जो ये टू पार्ट होता है ये हमारा क्या कहलाता है, हॉल पार्ट, क्या कहलाता है, हॉल नंबर, ये हॉल नंबर हो गया हमारा। और ये क्या कहलाता है हमारा, डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट क्या कहलाएगा, डेसिमल पॉइंट, ठीक है, हम इसे डेसिमल भी बोल देंगे, पॉइंट भी बोल देंगे। और जो ये हमारा सेवन है ये क्या कहलाएगा, डेसिमल पार्ट, क्या कहलाएगा ये हमारा, डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट, ओके। 2.7 यानी टू चीजें तो हमारे पास पूरी पूरी है, हॉल नंबर। 0.7 का मतलब ये है जो हमारे पास तीसरी चीज थी उसका सेवंथ पार्ट है हमारे पास, सेवन टुकड़े पीसीज हमारे पास है, बाकी थ्री पीस नहीं है। समझ में आया, यानी इस टू पार्ट्स पूरी चीजें है, यानी हमारे पास टू केक कंप्लीट है, ठीक है। और जो तीसरा केक है उसके 10 पार्ट्स किए गए हैं, ओके 1, 2, 3, 4, 6, 8 एंड 10, 10 पार्ट कर दिए। इसमें से 10 पार्ट्स में से हमारा पार्ट 7 पार्ट शेडेड है, ओके ये हमारे 7 पार्ट शेडेड है, यानी इस केक के 7 पार्ट हम फिनिश कर चुके, ठीक है, शेडेड पार्ट है ना, यूज कर चुके, कर चुके, तो हमारा ये क्या कहलाएगा, डेसिमल पार्ट, जिस पार्ट को हम यूज कर चुके होते हैं वो क्या कहलाता है, डेसिमल पार्ट, गॉट इट। अब इसे हम रीड कैसे करेंगे, टू पॉइंट डेसिमल भी बोल सकते हो, 2.7 ऐसे भी बोल सकते हो, 2.7 ऐसे भी रीड कर सकते हो, गॉट इट बेटा। मैंने मेन जो बेसिक था सिर्फ वही क्लियर किया है, क्योंकि अभी आपकी बुक में सिर्फ बेसिक ही यही दिया हुआ है, ओके। अब हमारी एक्सरसाइजेस आती है 38, हमारी कौन सी एक्सरसाइजेस है बेटा, 39, ओके एक्सरसाइजेस है हमारी 39, ओके। तो अब देखो इसमें है राइट द फॉलोइंग एज अ डेसिमल, हमें किसमें लिखना है, राइट एज अ डेसिमल, राइट एज अ डेसिमल, हमें अभी डेसिमल पार्ट में लिखना है किसको। अब मैंने यहां लिखा 5/10, किसमें राइट किया गया, ये देखते ही पता चल रहा है किसमें राइट किया है, ये फ्रैक्शन में। अब इस फ्रैक्शन को किसमें चेंज करना है, डेसिमल में, फ्रैक्शन को किसमें चेंज करना है, डेसिमल में। अब कैसे करेंगे वो देखो बेटा, 5 = ये 5 है, हमें ये देखना है ऊपर जो डिजिट लिखी हुई है वो एज इट इज ऐसे का ऐसा लिख देना है, हमने ये 5 यहां लिख दिया, ओके 5 राइट कर दिया। नीचे क्या है, 10 है ना, तो हम ये क्या है, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं ना, राइट टू लेफ्ट। अब 10 है तो 1 डिजिट को हम स्किप छोड़ देंगे, यानी ये इसका 0 जो है, ये 0 इसका पार्टनर हो गया। और इस 1 का मतलब होता है बेटा पॉइंट, 1 का मतलब क्या है, आप ये समझ के चलो कि 1 का मतलब है पॉइंट, 0 इसका पार्टनर हो गया। अब ये 1 है ना, तो यहां पर हमारा आ गया पॉइंट, यहां 10 थी तो 1 डिजिट राइट टू लेफ्ट, इस बात का ध्यान रखना, राइट टू लेफ्ट, ना कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हमें डेसिमल लगाना है, पीछे से डेसिमल स्किप करनी है डिजिट, 10 है तो 1 डिजिट स्किप करके हमने डेसिमल लगा दिया। अब 0.5 अच्छा नहीं लग रहा ना, खाली 0.5, अब कई लोग तो क्या, कई बच्चे तो क्या बिल्कुल नन्नी सी चौसी सी बिंदी लगा देते हैं, डॉट दिखाई नहीं देती, तो हम इसकी डेकोरेशन कर दें, हम इसकी डेकोरेशन के लिए क्या कर देते हैं, 0 डेकोरेशन हो गई ना, अब ये अच्छा लग रहा है ना, 0.5, ओके 0.5 रीड क्या करेंगे, 0.5 या 0.5, गॉट इट बेटा। ऐसी वही है राइट एज ए डेसिमल, हमें डेसिमल में चेंज करना है। अब मैंने आपको क्या बताया, जो न्यूमिरेटर वाली डिजिट है वो एज इट इज लिख दो, लिख दिया हमने 4 का 4 राइट कर दिया, क्योंकि यहाँ ओनली 4 ही राइट किया गया था, 4 का 4 राइट कर दिया। अब नीचे लिखो 20 है, अब ये 0 तो इसका पार्टनर बन गया, ये 0 इसका पार्टनर बन गया, अब सेकेंड 0 का पार्टनर तो है ही नहीं, और हमें राइट टू लेफ्ट चलना है,
सेकेंड जीरो का पार्टनर नहीं है ना, तो हमें इसका पार्टनर तो लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी पॉकेट से निकाल के यहां हमने इसका दूसरा पार्टनर रख दिया, हो गया। अब दोनों के पार्टनर हो गए, इसका पार्टनर 4 हो गया, इसका पार्टनर 0 हो गया। और 1 का मतलब मैंने क्या बताया था, डेसिमल। 1 का मतलब क्या है, डेसिमल। तो यहां हमने क्या लगा दिया, पॉइंट यानी डेसिमल। डेसिमल आ गया ना, नीचे 20 थी तो 2 डिजिट स्किप कर दी, राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया। अब ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा ना, हम इसके डेकोरेशन कर दें। डेकोरेशन के लिए हमने क्या लगा दिया यहाँ, 0। अब ये रीड कैसे करेंगे, 0.04। कैसे रीड करेंगे, 0.04। हमेशा डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होती है वो सिंगल सिंगल रीड की जाती है, राइट, सिंगल सिंगल रीड की जाती है। हम इसे 04 बोल रहे, 0.04, ओके। अभी आगे पता चल जाएगा, आगे करेंगे। अब हमारा फिर आ जाता है, ये क्या है, 29। हमने एज इट इज 29 राइट कर दिया, न्यूमिनेटर 29 था ना, एज इट इज राइट कर दिया। नीचे कितनी जीरो है, 2, 1, ये जीरो इसका पार्टनर हो गया, सेकंड जीरो इसका पार्टनर हो गया, दोनों के पार्टनर है। हमें पार्टनर अपने पॉकेट से लेने की जरूरत ही नहीं है, या किसी बाहर से बुलवाने की जरूरत ही नहीं है किसी भी पार्टनर को। फिर इस थर्ड डिजिट, इस 1 का मतलब क्या बताया, डेसिमल यहां पे राइट कर दिया डेसिमल राइट, हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहां अच्छा नहीं लग रहा ना हमारा, ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा, डेकोरेशन तो करनी पड़ेगी। तो डेकोरेशन के लिए हमने यहां क्या लगा दिया, 0, क्या लगाया, 0, हो गया। 2 डिजिट थी तो 2 डिजिट से पहले हमारी डेसिमल आ गई। अब हम इसे रीड कैसे करेंगे, देखो 0.29, नॉट 29, 0.29, नो। मैंने अभी कहा था कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होती है वो सिंगल सिंगल रीड की जाती है, 0.29। कैसे रीड करेंगे, 0.29, गॉट इट बेटा। ऐसे ही नेक्स्ट डे हमारा न्यूमिनेटर कितना है, 60 राइट कर दिया। अब नीचे देखें कितनी जीरो है, देखो इसका पार्टनर ये रहा, है ना, इसका पार्टनर इसके आगे इसका पार्टनर भी है, दोनों के पार्टनर है, कोई टेंशन नहीं है। थर्ड डिजिट 1 का मतलब क्या बताया मैंने, डेसिमल। 1 का मतलब डेसिमल, कंप्लीट हो गया हमारा। लेकिन हमें ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने डेकोरेशन कर दी और यहाँ क्या लगा दिया, 0, क्या लगा दिया, 0। कैसे रीड करेंगे, 0.60, नॉट 60, 0.60, got it बेटा। नेक्स्ट देखिए हमारा 743 हमने यहाँ राइट कर दिया, 743 न्यूमिनेटर एज इट इज हमने वैसे ही राइट कर दिया। अब नीचे इनके पार्टनर मिला दें, चलो इसका पार्टनर ये वाला है। आप ये ध्यान रखना, जब पार्टनर मैच करते हो तो ये लास्ट है ना, तो यहां भी लास्ट के पार्टनर से स्टार्ट होगा, क्लियर, राइट टू लेफ्ट, यहां भी राइट टू लेफ्ट और यहां भी राइट टू लेफ्ट। ये 0 है, ये इसका पार्टनर, ये वाली सेकंड 0 इसका पार्टनर, थर्ड 0 इसका पार्टनर, तीनों 0 के पार्टनर हो गए, तीनों डिजिट के पार्टनर है हमारे। चलो अब इस 1 का मतलब क्या बताया मैंने, डेसिमल यानी पॉइंट, ओके। अब डेकोरेशन के लिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, 0, क्लियर, हो गया हमारा। तीनों के पार्टनर थे, फिर हमने पॉइंट लगा दिया, डेकोरेशन के लिए 0 लगा दी। रीड कैसे करेंगे, 0.743, नॉट 743, 743 सिंगल सिंगल रीड करोगे, गॉट इट। नेक्स्ट देखो 800 है, हमने 800 राइट कर दिया, इसका पार्टनर ये रहा, ठीक है, सेकंड इसका पार्टनर ये रहा, 8 का पार्टनर ये रहा, तीनों के पार्टनर है। और 1 का मतलब पॉइंट यानी डेसिमल, ओके। और डेकोरेशन के लिए 0, रीड कैसे करेंगे, 0.800, क्या रीड करेंगे, 0.800, गॉट इट। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ क्या है, 17 था न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर 17 राइट कर दिया। चलो इस 7 का पार्टनर ये 0, इस 1 का पार्टनर ये 0, ओके, दोनों के पार्टनर तो मिल गए, इस 0 को ये पार्टनर मिल गया, इस 0 को ये पार्टनर मिल गया। अब इस 0 को कौन सा पार्टनर मिलेगा, इसको भी तो पार्टनर चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए ना।
तो भैया इसको पार्टनर चाहिए तो हम यहाँ बुला के पार्टनर लगा दिया हमने पास से लगा दिया। अब तो हो गया इसका पार्टनर ये हो गया, हो गए तीनों के पार्टनर। और वन का मतलब क्या बताया मैंने, पॉइंट, क्या बताया, डेसिमल। और डेकोरेशन कर दो इसको जीरो। गॉट इट बेटा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इज इक्वल टू न्यूमिरेटर कितना है हमारा, थ्री, थ्री का थ्री राइट कर दिया, कर दिया हमने। चलो इस जीरो का पार्टनर ये थ्री है इस जीरो का पार्टनर थ्री, इसको तो पार्टनर मिल गया। अब भैया इसको भी तो पार्टनर चाहिए, इसको भी तो पार्टनर चाहिए, दोनों को चाहिए तो क्या करें। चलो पार्टनर बुलवा लेते हैं हम। इसका पार्टनर हमने बुलवाया यानी एक जीरो और लगा दी, हमने इसका पार्टनर बुलवाया तो फिर जीरो लगा दी। अब तो हो गए सबके पार्टनर, हो गए ना। इस जीरो का पार्टनर ये थ्री हो गया, इस जीरो का पार्टनर ये हो गया, इस जीरो का पार्टनर ये हो गया। और वन का मतलब मैंने क्या बताया, पॉइंट यानी डेसिमल। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, डेसिमल। और ये हमारा क्या है, डेकोरेशन का जीरो। इसे रीड कैसे करेंगे, 0.003, 0.003 इसे रीड करेंगे। आई होप इस वक्त ये सबको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है। कट इट बेटा। थैंक यू सो मच।